अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशोखुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। और सुनाइए क्या हाल चाल है। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर भी करते हैं, थैंक यू सो मच। ढेरों दुआएं आपके लिए, और जिन्होंने नहीं किया दुआएं तो उनके लिए भी हैं, लेकिन काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू सो मच। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आज क्या है वीडियो में, आज कुछ यूनिक है। यानी आप कहते होंगे ये क्या, रोटी बनाना? रोटी बनाना किसको नहीं आता जी, चपाती कह ले, फुलका कह ले, रोटी कह ले, सबको ही बनाना आता है। लेकिन मुझे एक फरमाइश आई है, बहुत दिनों से आई हुई थी। आई एम सॉरी जो मेरे सब्सक्राइबर ये देख रहे होंगे उनको थोड़ा लेट हो गई हूँ फरमाइश पूरी करते हुए, लेकिन फरमाइश ये आई थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हे, तो इलेक्ट्रिक चूल्हे पे उन्होंने बताया था कि मुश्किल से रोटी बनती है, फूलती नहीं, ये वो, तो कुछ ऐसी बातें थी। तो जिनका मैंने जवाब, मैंने कहा इस तरह देने के बजाय मैं क्यों ना डेमो करके दिखा दूँ। तो रोटी बनाऊँगी, फुलका बनाऊंगी, चपाती बनाऊंगी। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिक चूल्हा जो होता है ना, उस पर कभी भी आप मोटे पैंदे वाला, यानी जिसका जो मोटा होता है ना, जैसे आप कह लें कि जिसकी नीचे की सरफेस जो मोटी हो, वो ना लें। पतला जो तवा होगा ना, और नॉन स्टिक होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। या इवन वो भी हो, नॉन स्टिक भी हो, लेकिन ज़्यादा मोटा ना हो, पतला हो, एक तो वो। दूसरा, उसको कोशिश कीजिए दूसरा ही तवा हो तो अच्छा है, या फ्रेंक पैन। और दूसरी बात यह है कि उसको बहुत ज़्यादा हीट अप पहले करें, चूल्हे पर रख के खूब उसे गर्म होने दें, उसके बाद आप पेड़े बना के रखें। पेड़ा सबसे पहले तो आटा गूंदने का मरहला होता है, तो ये मैं आपको टिप दे रही हूँ ना, मोटी मोटी। और आटा गूंदने के लिए मैंने कहा क्यों ना फिर साथ में, जब मशीन से बता रही हूँ कि बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सॉफ्ट आटा गूंदता है। हर किसी के घर बीटर है आजकल, जिससे केक बनाए जाते हैं, तो बड़ी आराम से उससे आटा गूंदा जाता है, एक्स्ट्रा मशीन लेने की जरूरत नहीं। तो ये दो चार बातें आपसे नहीं थी कि तवे को तेज गर्म करें, और उसके बाद पतला तवा, और उसके बाद रोटी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। तो आटे को रेस्ट दीजिए, और उसके बाद उसके साथ ही मैंने कहा, क्योंकि मशीन से मैंने चिकन फजीता पिज्ज़ा जो है उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। इसी में दो रेसिपीज हैं, एक रोटी की और एक चिकन फजीता पिज्ज़ा की। और दो एक जिस तरह मैं चिकन फजीता पिज्ज़ा की गूंदूंगी ना उसके साथ, मशीन के साथ बिल्कुल सेम, इसी तरह पाटा गूंद लीजिए रोटी के साथ, थोड़ा रेस्ट दीजिए, पेड़ा बनाइए छोटा सा और रोटी डालिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए, अभी मेरा इरादा कोई नहीं था, क्योंकि रोटी पकाना तो मैं सोच रही थी सबको आता है, लेकिन मुझे एकदम से ख्याल आ गया कि कल एक बहुत ही प्यारे बच्चे की फरमाइश आई थी कि किस तरह रोटी बनाती है ना आप, क्योंकि उससे सही नहीं बन रही थी ना। तो बहुत सारी मुझे फरमाइशें ऐसी आती हैं कि रोटी कैसे सही बने। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपको बताया था कि आटा जो है ना, उफ ये देखिए, माशाल्लाह से उफ नहीं कहना चाहिए, बहुत अच्छा गूंथता है अगर आप बीटर से वो कर लेंगे ना, जिससे हम केक बनाने के लिए होता है ना, एक इस तरह की रोल की हुई उसकी बीटर से जो दो होते हैं, तो उससे कर लेंगे। तो ये देखिए, पेड़ा बना लीजिए पहले छोटा सा, बहुत बड़ी नहीं तो मतलब बनानी रोटी तो आप इतना सा पेड़ा काफ़ी रहेगा जो हैंडल कर सकें, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये मैं सिखा रही हूँ। और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की रोटी बनेगी, और बहुत ही अच्छी। थोड़ा सा इसको हाथ से फैला लें, और खुशका बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, और आटे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा जो वो होता है ना ब्राउन आटा, जिसमें चोकर निकला नहीं होता, उसको ज़रा हैंडल करना मुश्किल होता है, उसको सेक भी देर से लगता है। और आपका जो तवा या पैन जो भी है ना, जिसमें फ्राइंग पैन मेरा पुराना, इसी में बना लेती हूँ, तो उससे सही तरह हीट अप हुआ होना चाहिए। सही जब गर्म नहीं होगा तब भी आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। और बहुत ज़्यादा अगर इसको दबा के बेलेंगे ना, प्रेस करेंगे, तो वो भी अच्छी नहीं बनेगी। मैं आपको बेल के बताती हूँ, हल्के हाथ से इसको बेलना है। तो फिर देखिएगा, ये देखिएगा, ये हमने बेलन लिया बिल्कुल हल्के हाथ से, जितना दबाएंगे फिर रोटी फूलती भी नहीं, और वो इस तरह सर्कुलर मूवमेंट में अगर आप करेंगे तो उधर पड़े पड़े आपकी रोटी गोल हो जाएगी, नहीं तो आप सीधा सीधा भी करेंगे इस तरह भी, तो तब भी ठीक है। ये प्रैक्टिस से ये बातें होती है। देखिए, छोटा सा पेड़ा लिया था, फिर भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रोटी एक बड़ी बनी है। इससे भी छोटा लेना चाहिए था मुझे, लेकिन माशाल्लाह से इतना अच्छा गूंदा है, हाथ से तो गूंदता ही है। जो कोई हाथ से गूंद रहा है वो ये करे कि पहले थोड़ी देर ना रेस्ट दे, थोड़ा सा दो ना आटा गूंद के उसको थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट दे, दोबारा से उसे मुखिया लगाए, दोबारा से गूंद के फिर उसे रेस्ट दे। आटे को रेस्ट देंगे तो रोटी अच्छी बनेगी। बस इस तरह इतना फैला के तो थोड़ा सा हाथ से आप करेंगे, मेक श्योर कि आपके बाजू स्लीव्स पीछे हो जाएं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नाइस सी रोटी बनी है। और ये
ये हमने डाल दी, ये देखिए। अब मैं इसको जब पलटूंगी, जब इधर से ये कुक हो जाएगी, एक तरफ से पकेगी तो इसको पलटेंगे। आप स्पैचुला से भी दबा सकते हैं, इसको प्रेस करेंगे, दबा दबा के रोटी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और आप इसे कपड़े की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने एक ये पुराना स्पैचुला है, थोड़ा सा मेरा इधर से हो गया था, इसमें क्रैक आ गया था, तो मैंने कहा चलो इसी काम ले आते हैं, इससे बड़ी अच्छी दवाई आती है। ये देखिए एक तरफ से कुक हो गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, जब तक आपका पैन या तवा सही गर्म नहीं होगा ना, आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। और इससे भी छोटा पेड़ा लेंगे तो बिल्कुल इधर मिडल में आएगी, लेकिन अब तवे पे डिपेंड करता है कितना बड़ा तवा है। ये देखिए इतना सा मैंने पेड़ा लिया और कितनी फैल गई। अगर आटा अच्छा गूंदा होगा तो रोटी फैलेगी। और ये दिखाती हूँ आपको पका पका के आपके सामने, तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा। और जब बिल्कुल ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन, ये चक्की आटा है, और जो यूके में रहने वाले उन्हें पता ही होगा पिल्सबरी का है। और जो दूसरा बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है ना, जिसमें वो चोकर निकला नहीं होता, भूसी निकली नहीं, वो जो है वो देर से उसे सेक लगता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिएगा कैसी लगी आपको। इसी तरह पका लीजिए बाकी की सारी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी फूली है ना, ये मैंने कहा करीब से आपको दिखा दूँ। ये देखें फूलती है रोटी, इससे भी बहुत ही अच्छी। बस ये कि साथ साथ इन्हें चेक करना पड़ता है कि ना वो ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहला स्टेप का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, चिकन फजीता पिज़्ज़ा के लिए के शुगर और जो है ईस्ट हमारी, इसको हमने भिगो के रख देना पानी में थोड़ी देर राइज होने के लिए। सबसे पहले इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे, ये तकरीबन हम डाल देंगे, देखिए 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, जब तक हमारा ईस्ट राइज हो रहा है, हम सारी वेजिटेबल्स कट कर लेंगे, जिसमें है बेल पेपर है और शिमला मिर्च है और कैप्सिकम, और दो मैं ले लूँगी, दो या एक, देखूँगी कितनी तीखी है, ग्रीन चिलीज, क्योंकि हमने मैक्सिकन स्टाइल का स्पाइसी बनाना है चिकन फजीता, इसलिए ये अनियन भी जाएगा और टमाटो भी जाएगा। सबसे पहले वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए। YouTube फैमिली, जैसे मैंने ये देखा वेजेस कट कर ली हैं, इसी तरह मैं कट कर लूँ ये चिकन। देखिए मेरे पास चिकन है जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा, ये बोनलेस है, ये बड़े पीसीज हैं, ज़रा इनको स्मॉल करना है मैंने, तो देखिएगा क्योंकि चिकन फजीता पिज़्ज़ा बनने जा रहा है, तो साथ रहिए जी। अभी हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं ताकि टाइम सेव हो, उसके बाद हम अपनी डो रेडी करेंगे। जिस दौरान डो रेडी करेंगे उस दौरान हम अपना ओवन जो है वो प्री हीट होने रख देंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ लेमन जूस थोड़ा सा, देखिएगा जितना भी आपने डालना हो, और उसके अलावा सॉल्ट डालेंगे, ये देखिए 1 टीस्पून डाल दीजिए। और ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, और थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, क्योंकि ये स्पाइसी बन रहा है तो इस वजह से इसमें, और इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, एक चीज़ मेन जो होती है इसकी वो है जी पेपरिका पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर भी डाल देंगे, और इस सबको मिक्स कर लेंगे। जी प्यारे व्यूअर्स, मैंने प्री हीट होने ओवन रख दिया, कर दिया प्री हीट के लिए ओवन ऑन, और मैं इसमें 2 कप ये मैदा डालूंगी, प्लेन फ्लावर है ये, और ईस्ट हमने पहले से रख दी थी, ये तकरीबन 250 ग्राम है मेरे पास, बड़ा पिज़्ज़ा बनेगा इससे। जी प्यारे व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, देखिए मैंने अब छान लिया है मैदे को, और आपके साथ चिकन फजीता रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ पिज़्ज़ा की, बहुत ही मज़े का बनने वाला, तो मैंने कहा आपको साथ साथ बता दूँ। और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमेशा आपको पता है कि मैं इससे ही लोगों को गूँधूँगी, अब तो मैं आटा भी इसी से गूँध लेती हूँ, तो कोई इतना मज़े का बन जाती है उससे चपाती। मैंने वीडियो भी है उस पर देखिएगा ज़रूर। और ये पिज़्ज़ा बहुत ही, इस दौरान मैंने ओवन को भी प्री हीट होने कर दिया, और ये देखिएगा इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ। सबसे पहले डालूंगी इसमें मैं ये
ये देखिए ईस्ट जो हमने रखी हुई थी तो भिगो के, तो ये राइस हो चुकी है और इसको हम डालते हैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसमें क्या डालना है, थोड़ा सा इस तरह का डो हो चुकी है लेकिन इसकी डो को सख्त नहीं होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी। नीम गरम ऐड कीजिएगा, जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो तो साथ साथ ऐड कीजिएगा। मशीन से उतार लेते हैं इसको, और हाथ का काम है थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा इसको नहीं हमने करना ना, बहुत ज्यादा इसे घूमना नहीं है। देखिए कितना इजी 5 मिनट में हो गया तकरीबन, और इसको हाथ से करके हम राइस होने के लिए रख देंगे। और हाथ पे जरा सा अपने ऑयल लगाना है इस तरह करके, ऑलिव ऑयल या कोई सा भी ऑयल ले लीजिए। तो ये देखिएगा इस तरह करके आप इसको बना के फिर आप रख सकते हैं। इस स्टेज पे एक दफा और भून लीजिए, जितना अच्छा इसको होगा ना तो अच्छा ही इसका अंदर से थोड़ा सा इसका है, तो इसको मैं एक बार और भून लेती हूँ। इस तरह का कोई स्टिकी सा बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको हार्ड नहीं होना चाहिए, हार्ड होगा तो फूलेगा नहीं। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा के तो हम इसको राइस होने रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट काफी होंगे राइस होने के लिए। बहुत अच्छी सी डो हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिएगा। और इसमें ऑयल लगा के बर्तन पे जरा इसको हम ढक के रख देते हैं। देखिएगा इस तरह ढक के इसको हमने रख देना है 15 to 20 मिनट्स। जी मैं रेडी कर रही हूँ इसके लिए जो फिलिंग है पिज़्ज़ा की, जो कि फजीता फिलिंग है चिकन की। और इसके लिए पीसेस बहुत छोटे करें चिकन के, या इसको श्रेडेड चिकन इस्तेमाल करें। ये जो मैक्सिकन होता है ना चिकन फजीता पिज़्ज़ा, इसमें ये चिकन छोटा छोटा करके इसके क्यूब्स पूरे बड़े नहीं डालते। तो खैर मैंने श्रेडेड तो नहीं किया था, ज़रा से चंक्स उसमें ताकि आए अच्छे लगते हैं। तो इस तरह करके ये देखिएगा अच्छा, अगर इसको आप ज़्यादा टाइम देंगे तो और ज़्यादा राइज होगी। तो आप चाहें तो, मैंने 15-20 मिनट्स इसलिए बताए थे कि मैंने इसे चूल्हे के पास रख दिया था गर्म जगह, तो अगर आप ज़्यादा टाइम देना चाहें, नहीं है इतनी गर्म जगह तो आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा, घंटा 2 घंटे। तो इस तरह करके ये मेरे पास एक बनी बनाई थी इटालियन जो होता है ये बेस बनाने के लिए सॉस, इसमें सब कुछ शामिल था जो पिज़्ज़ा सॉस में होता है, तो वो मैंने लगा दी। घर पर भी बन सकती है, किसी दिन आपसे शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। ये देखिए कितना खूबसूरत आया कलर, बिल्कुल वेजिस को हमने इसी तरह खड़ा खड़ा रहने देना है, थोड़ा सा कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना। और ये देखिए हर एक चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है, क्या खूबसूरत कलर है ना वेजिस के और चिकन के, और छोटे छोटे चंक्स की सूरत में है, बहुत बड़े नहीं है। और ऊपर ढेर सारा चीज़ पहले नीचे फिर ऊपर हमने डाला, फिर मिक्स अप और गैनो जो भी आप डालना चाहें। और प्री हीट होने रख दिया था मैंने ओवन को, और काफ़ी ही प्री हीट हो चुका था, और एहतियात कीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया, और बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि कितना नाइसली कुक्ड हो चुके हैं। और बताइएगा आज की आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।